हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचर्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? तो बस खत्म, आज हम बात करेंगे थ्रेडिंग के बारे में। थ्रेडिंग यानी आईब्रोज। आईब्रोज कैसे बना सकते हो और किस तरीके से बना सकते हो, ये मेरी दो वीडियो हैं, आप पहले उनमें भी चेक कर सकते हो। मैंने आर्च आईब्रो बनाई है, राउंड आईब्रो बनाई है, और थ्रेड कैसे चला सकते हो या अपनी आईब्रोज आप खुद कैसे बना सकते हो या धागा चलाना कैसे सीख सकते हो, तो ये सब आप उस वीडियो में देख लेंगे। और वीडियो में चलने से पहले या बताने से पहले प्लीज मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और इसके बाद ये मैं ऑर्गेनिक का थ्रेड लेती हूँ और इसे किस तरीके से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे हम। स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो यहां से और इस तरीके से, इस तरीके से हम थ्रेड चलाना सीखेंगे। और जब अपनी स्किन के ऊपर धागे को हम रखेंगे तो बहुत नॉर्मली रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि आजकल स्किन बहुत पतली होती है, वो स्किन निकल जाएगी। तो और इसके बाद बात करेंगे हम आईब्रोज की। आईब्रोज लाइट होती है, डार्क होती है, हमारे बनाने का तरीका होता है, क्योंकि आईब्रोज हमारे फेस का एक लुक, फेस को एक लुक देती है। अगर आईब्रोज बिगड़ जाती है तो फेस बहुत खराब लगता है और हमारे मेकअप में भी लुक अच्छा नहीं आता है। तो हम खास ध्यान देते हैं आईब्रोज की तरफ, तो उसमें आर्च शेप दे सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो, ट्रायंगल शेप दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। लाइट आईब्रो है तो उसको थोड़ा मोटा करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और आईब्रोज को किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या ध्यान रखेंगे तो ये आप देखेंगे। आईब्रोज को हमेशा बनाते टाइम यहाँ फ्रंट का ध्यान रखेंगे और यहाँ का ध्यान रखेंगे, आप ये कभी भी कटने नहीं देंगे। और आईब्रोज लाइट है तो उसे मोटा रखेंगे और धीरे धीरे करके शेप निकालते जाएंगे। और जब भी हम आईब्रोज को बनाते हैं इस तरीके से तो हम अपनी इस कैंची के अंदर बालों को लेते हैं, कभी भी हम पूरी कैंची में बालों को नहीं लेंगे, यहाँ पर थोड़े से कैंची के अंदर बाल लेंगे और इस तरीके से धीरे से पुश, ताकि हमारे हेयर इजीली निकल जाए। तो हम देखेंगे आईब्रो किस तरीके से बनाऊंगी मैं और आपको कंप्लीट दोनों आईब्रोज बना के दिखाऊंगी। तो चलते हैं हम अपनी आईब्रोज की तरफ। आईब्रो करने से पहले पाउडर लगा लेंगे, और अगर फोरहेड एरिया भी करना है तो वहाँ पर भी पाउडर लगा लेंगे अच्छे से, और हेयर बैंड लगा लेंगे ताकि हमारी स्किन कटे ना या बाल बीच में ना आए। और अगर किसी की स्किन पतली है तो बहुत ध्यान से रखेंगे, उनसे स्ट्रेच करा लेंगे ताकि इनकी स्किन कटे ना, क्योंकि कई बार यहाँ की और यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है और वो कट जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी आईब्रो आप देख सकते हो नॉर्मल ग्रोथ है, बट मैं इसको बिल्कुल पतला नहीं करूँगी, क्योंकि कई लोग बहुत पतली कर देते हैं और वो अच्छी नहीं लगती, तो मैं थोड़ी चौड़ी बना के चलूँगी। और आपको बनानी है इसमें आर्च, राउंड, कुछ भी शेप दे सकते हो। और स्टार्टिंग करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ से कहाँ करना है। अब आप बिगनर्स हो और स्टार्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ये वाली जो ग्रोथ है धीरे धीरे करके एक एक बाल निकालेंगे, सीधे यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाओगे तो आपकी आईब्रो बिगड़ जाएगी। सिर्फ ये एरिया क्लीन करेंगे, और जब ये एरिया आपको क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट एरिया में आपको प्रॉब्लम आती है कि थ्रेड कैसा रखे कैसे नहीं रखे, तो ये ध्यान रखें। अब मैं आईब्रोज शुरू करूँगी, ऊपर से इस तरीके से पकड़वा लेंगे बिल्कुल, और ये हमारी शेप आएगी। मैं इनकी थोड़ी सी राउंड शेप दूंगी। सबसे पहले ऊपर से करेंगे, बिल्कुल दूर से चलेंगे एकदम इस तरीके से। अब आएंगे हम नीचे की तरफ, तो यहां से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं धीरे धीरे, यहां से इस तरीके से निकालेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, और कॉर्नर एरिया बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए वरना आईब्रो अच्छी नहीं लगती। और इस तरीके से हमें अपनी इस कैंची में बाल फंसाने होते हैं, अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आईब्रो उड़ जाएगी, तो ध्यान रखें कि वहीं रखें जहां पर आपको बाल निकालने हैं इस तरीके से। और जब हम फ्रंट में आते हैं तो हम ध्यान रखेंगे हमारी कैंची ऐसे होनी चाहिए, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये कॉर्नर एरिया खराब हो जाएगा। तो ये देखेंगे कैसे निकालेंगे, ये कैंची में बाल फंसाएंगे और इस तरीके से यहीं से फिर अपनी शेप लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ आएंगे हम राउंड शेप के लिए अपनी, यहाँ से इस कैंची में ही बाल लेंगे तो हम इस तरीके से लेंगे बिल्कुल एक एक करके बाल, अगर आप नए हो, और लेंथ पे से बाल नहीं निकालेंगे। फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगी, और कभी भी भरी हुई आईब्रो को छेड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ग्रोथ आई है तो उसी आईब्रोज को निकालने की कोशिश करें। ये हमारी शेप हो जाएगी बिल्कुल, मैंने इनकी राउंड शेप दी है। और कटिंग के लिए ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल
ऐसी तिरछा नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट में लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। और आप अगर आप मेरी आईब्रोज का थ्रेड चलाना सीखना चाहते हैं तो मेरी दो वीडियो पहले भी हैं, आर्च में कैसे बनाएं या राउंड में कैसे बनाएं या धागा चलाना कैसे सीखें, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और प्लीज लाइक करना ना, दोनों का स्पेस देख लेंगे। आजकल फैशन में तो ये वाली आईब्रोज भी है जुड़ी हुई, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। यहां से ज्यादा नहीं करेंगे, स्ट्रेट लेकर चलेंगे और इधर से तिरछा और इधर से तिरछा ये रखेंगे। हम सेकंड आईब्रो पे चलेंगे, फेस तो नहीं आ रहा है ना। जब हम सेकंड आईब्रो की तरफ आएंगे तो हमारा ये लेबल और ये लेबल एक सार होना चाहिए, तो उसे मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर थ्रेड रखेंगे और यहां से यहां लाएंगे, तो हमारी दोनों आईब्रो इक्वल रहेंगी और उसी तरीके से शेप को ऊपर से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लीन करेंगे, बिल्कुल भी शेप को अंदर से नहीं छेड़ेंगे। बैक तक जाएंगे बिल्कुल, थ्रेड को स्किन के अंदर बिल्कुल ऐसे रखेंगे, एकदम गड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल लाइट रखेंगे इस तरीके से। रोज शुरू करेंगे अपनी, यहां से हम बैक में चलेंगे, बैक से लेंगे अपनी लेंथ को छोड़ते हुए। वहां मैंने कम कम करके दिखाया था, यहां मैं जैसे अपने तरीके से बनाती हूं वो दिखाऊंगी, एकदम से शेप लेते हुए, क्योंकि हमें यहां से हम फ्रंट से आपको प्रॉब्लम होती है, फ्रंट से आईब्रो उड़ने का डर भी रहता है, तो यहां से ऐसे पकड़वाएंगे और थ्रेड को बिल्कुल तिरछा रखेंगे इस तरीके से। थ्रेड हमारा बिल्कुल तिरछा होना चाहिए, फिर हम एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाल देंगे। जहां पर भी आपको एक दो बाल दिख रहे होंगे वो निकाल देंगे आप। ये हमारी हो गई, आपको मोटी पतली लग रही है तो एक बार चेक कर लेंगे कहीं बिल्कुल, अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा लग रहे हैं जैसे ये हेयर एक्स्ट्रा है तो इन्हें क्लीन करेंगे और ऊपर से भी एक बार चेक करेंगे, बैक से भी कोई एक्स्ट्रा बाल ना हो। यहां से स्किन पकड़ेंगे इस तरीके से, और ये जो एक्स्ट्रा है ये लेंथ नहीं छुएंगे हम, सिर्फ यहां से तो इस तरीके से बनेगी हमारी आईब्रोज। आप देख सकते हो दोनों आईब्रोज, दोनों आईब्रोज इस तरीके से आएंगी। मैं इनकी फोरहेड अभी नहीं कर रही हूं, आप मेरी आईब्रोज की शेप देख सकते हो दोनों, और फिनिशिंग भी देख सकते हो। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। बोलो, रोक दिना, वो खत्म कर देना। चाहूंगी कि आप सब अच्छे होंगे।